इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैनासोनिक के प्रीमियम बॉटम माउंटेड रेफ्रिजरेटर के बारे में। ये पैनासोनिक का फ्लैगशिप मॉडल है, CY550 के नाम से जानते हैं इसे। और इस रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रिज सेक्शन ऊपर होता है और यहाँ पे फ्रीजर नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा रेफ्रिजरेटर क्यों परचेज करना चाहिए जहाँ पे फ्रीजर नीचे है और फ्रिज सेक्शन ऊपर होता है। ओके, तो ऐसा देखा गया है कि हमारे घरों में हम कम से कम 8 out of 10 टाइम हम फ्रिज सेक्शन को एक्सेस करते हैं। जब भी हमें जो है ठंडे पानी की बोतल निकालनी हो या फिर सब्जियां निकालनी हो, कोई फ्रूट आइटम निकालना हो या कोई फ्रोजन फूड आइटम यहाँ से निकालना हो, तो हमने ऐसा देखा है कि 8 out of 10 टाइम हम फ्रिज सेक्शन को एक्सेस करते हैं, जबकि 1 से 2 दफ़े हम फ्रीजर सेक्शन को एक्सेस करते हैं। क्या है कि ऐसा देखा गया है कि फ्रीजर सेक्शन में जो हम फूड आइटम रखते हैं, जैसे कि आइसक्रीम है, चॉकलेट है, ये बच्चों के बहुत ही फेवरेट फूड आइटम माने जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए इजी टू एक्सेस भी है, बच्चे आसानी से चॉकलेट और आइसक्रीम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ अगर फ्रिज सेक्शन की बात की जाए तो ऐसा देखा गया है कि हमारे घरों में जो ओल्ड एज फैमिली मेम्बर हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या कोई प्रेग्नेंट लेडी, तो ऐसे केसेस में अगर ये सेक्शन नीचे होता है, अगर यहाँ पे वेजिटेबल बास्केट, होटल रैक या फिर जो है प्राइम फ्रेश जोन अगर ये नीचे है, तो ऐसे केसेस में उनको बैठना पड़ता है, झुकना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। ओके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पैनासोनिक ने यहाँ पे वेजिटेबल बास्केट, होटल रैक और प्राइम फ्रेश प्लस एकदम आइडियल हाइट पर दिया हुआ है, जिसको वो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और ये एकदम इजी टू एक्सेस है। और चलिए अब बात करते हैं कि पैनासोनिक बॉटम माउंटेड रेफ्रिजरेटर क्यों परचेज करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पैनासोनिक रेफ्रिजरेटर का जो लुक और डिज़ाइन है वो एकदम प्रीमियम क्लास है। यहाँ पे 2 मॉडल आते हैं, एक में ग्लास डिजाइन होता है, प्रीमियम ग्लास डिजाइन के साथ आता है, और दूसरा जो है मैट फिनिश के साथ में आता है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इसका वेजिटेबल बास्केट है ये 46.5 लीटर का है, और 46.5 लीटर का जो वेजिटेबल बास्केट है, अगर देखा जाए 550 लीटर की कैपेसिटी में इंडस्ट्री में सबसे बड़े साइज का वेजिटेबल बास्केट है। और कोविड एरा को अगर ध्यान में रखा जाए तो उस हिसाब से एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हम आजकल थोड़ा सा प्लान करके चलते हैं और कोशिश करते हैं कि 4 से 5 दिन की या 1 हफ्ते की सब्जियाँ एक साथ परचेज की जाए। तो ऐसे केसेस में ये वेजिटेबल बास्केट जो है सफिशियंट स्टोरेज रहती है और आप यहाँ पे 1 हफ्ते तक की सब्जियाँ स्टोर कर सकते हैं। और इसकी जो बिल्ट क्वालिटी की बात की जाए या इसकी जो प्लेसमेंट की बात की जाए, एकदम इजी टू एक्सेस है। ये स्लाइडर पे आता है, इसको आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, छोटा बच्चा भी इसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। जबकि हमने कई दफ़े देखा है कि रेफ्रिजरेटर में वेजिटेबल बास्केट बॉटम सरफेस के ऊपर रखा होता है, तो ऐसे केस में जब बॉटम सरफेस के जब ऊपर रखा होता है तो वहाँ पे अगर छोटा बच्चा उसको एक्सेस कर रहा है तो कई दफ़े फ्रिज का जो वेजिटेबल बास्केट बाहर निकल जाता है, फिर उसको अंदर रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ख़ासतौर पर छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे जो इसका वेजिटेबल बास्केट है, यहाँ पे एक डिज़ाइन दिया गया है जिग जे करके, यहाँ पे इसके बॉटम सरफेस में एक डिज़ाइन दिया गया है। इसमें अगर आप पत्तेदार सब्जियाँ जैसे कि मेथी, मूली, पालक, चने का साग वगैरह रखते हैं और अगर मॉइस्चर आता है तो इस डिज़ाइन की वजह से मॉइस्चर नीचे रहता है और कूलिंग सर्कुलेट होती रहती है, जिससे पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा टाइम तक फ्रेश बनी रहेंगी। और साथ ही साथ इसकी अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये बेस्ट क्लास का मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो प्राइम फ्रेश प्लस दिया गया है, प्राइम फ्रेश प्लस की ज़रूरत एक्चुअली क्यों पड़ी है उस टॉपिक पे। चलिए अब बात करते हैं प्राइम फ्रेश प्लस के बारे में। और ये देखा जाए तो पैनासोनिक का सबसे मेजर USP माना जाता है। और प्राइम फ्रेश प्लस की अगर बात की जाए तो इसका टेम्परेचर 1 degree to -3 degree तक रहता है। ओके, यहाँ पे फ्रोजन फूड आइटम स्टोर करते हैं, और अगर किसी रेफ्रिजरेटर में प्राइम फ्रेश प्लस नहीं है तो जो भी फूड आइटम हम यहाँ पे स्टोर करते हैं वो हम सब फ्रीजर में स्टोर करते हैं। और जब हम फ्रीजर में वो सारे फूड आइटम स्टोर करते हैं, जैसे कि फ्रोजन फूड आइटम में अगर देखा जाए नॉन वेज हो गया, मटन, चिकन, सफल मटर, ड्राई फ्रूट्स है, तो ये सब चीज़ें जब हम फ्रीजर में स्टोर करते हैं तो उसका टेम्परेचर -18 degree to -23 degree तक रहता है। तो ऐसे केसेस में वहाँ पे जाके फ्रॉस्ट जम जाता है, और जब फ्रॉस्ट जम जाता है तो हमें फूड आइटम को डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है, और जब डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो कम हो जाती है और फूड आइटम
ऐसे केसेस में ना ही उतना हेल्दी रहता है और ना ही उतना टेस्टी रहता है। ओके, तो ये सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए पैनासोनिक ने यहाँ पे प्राइम फ्रेश प्लस दिया हुआ है। प्राइम फ्रेश प्लस में अगर देखा जाए तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री टू -3 डिग्री तक रहता है, यहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं जमता है, तो इस तरह से आपको ये डिफ्रॉस्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर डिफ्रॉस्ट नहीं करना पड़ेगा तो एक तरह से ये टाइम सेविंग है, और साथ ही साथ जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो लगातार जो है यहाँ पे बनी रहेगी। आपका फूड आइटम जो भी यहाँ पे रखा हुआ है वो फ्रेश रहेगा, हेल्दी रहेगा और टेस्टी रहेगा। अब बात करते हैं हाइजीन पैरामीटर को लेके, इसमें कैसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, क्योंकि ऐसा देखा गया है जब से कोविड एरा स्टार्ट हुआ है और तब से चांसेस रहते हैं कि हम जब भी हाइपरमार्केट से अगर शॉपिंग करके लाते हैं फूड आइटम या फिर किसी सब्जी मंडी से लाते हैं तो वहाँ पे चांसेस है कि फूड आइटम के साथ साथ बैक्टीरिया, जर्म्स या वायरस भी हम ला सकते हैं और फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैनासोनिक ने एजी क्लीन टेक्नोलॉजी यूज किया है। ये बेसिकली अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर आप कटे हुए फ्रूट्स रखते हैं, दूध रखते हैं, नॉनवेज रखते हैं तो ये बैड ऑडर को रिमूव कर देता है, स्मेल को मिक्स नहीं होने देता है। साथ ही साथ जो भी फूड आइटम हम बाहर से लेके आते हैं अगर उसमें कोई बैक्टीरिया, जर्म्स या वायरस है तो ये इसको पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर देता है, और जो भी फूड आइटम हम यहाँ पे रखते हैं उसको 99.9% तक बैक्टीरिया जर्म्स फ्री बनाए रखता है। अब बात करते हैं पैनासोनिक वाटर माउंटेड रेफ्रिजरेटर की कूलिंग परफॉर्मेंस को लेके। यहाँ पे बेसिकली 6-speed इन्वर्टर कंप्रेसर यूज किया गया है, या आप इसे 6-stage कंप्रेसर भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली इसका काम है कि ये जो है एज पर कूलिंग रिक्वायरमेंट अपनी स्पीड को वेरी करता रहता है। अगर कूलिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो स्पीड को बढ़ा देता है, कंप्रेसर के RPM इंक्रीज हो जाते हैं। इन केस कूलिंग की रिक्वायरमेंट कम है तो ये स्लो हो जाता है और पावर सेव करता है। तो इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।